नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं महज एक 13 साल का बच्चा जिसका नाम तनिष बताया जा रहा है और अपनी बुआ के घर छुट्टियों में रहने आया हुआ था और दो अपने जो रिश्तेदारों के साथ, दो बच्चों के साथ जो है वो नहर पर नहाने चला जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं ये तनिष पानी में डूब जाता है। बुआ के घर छुट्टियों में आया हुआ था और किस तरह से दादूपुर और करण लेक के बीच में जो है नहर के किनारे नहाने लगते हैं और किस तरह से जो ये बच्चा है वो डूब जाता है। बहुत ही दुखद समाचार जो है वो सामने आया है। महज 13 वर्ष का ये तनिष, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आया हुआ था और खेलते खेलते ये दोस्त जो हैं नहर पर चले जाते हैं। नहर में नहाते समय किस तरह से एक बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। तनिष फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दूं किस तरह से हम आपको लगातार ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, इस तरह से उनको नहर पर मत भेजिए और मत जाने दें। और किस तरह से ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही दुखद समाचार, जो अभी अभी कुछ ही समय पहले मुरादगढ़ का रहने वाला तनिष अपनी बुआ के घर आया हुआ था और नहाने के लिए नहर पर चला जाता है और किस देख सकते हैं जिसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। फिलहाल परिवार का बहुत ही रो रो कर बुरा हाल है। परिवार इस समय हालात में नहीं है बोलने के, और फिलहाल आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में उस मासूम बच्चे की तस्वीर और किस तरह से ये नहर पर नहाने के लिए चले जाते हैं बच्चे, और एक पानी के बहाव में जो बच्चा है वो आगे की ओर चला जाता है। उसके बाद डायल 112 को जैसे ही जानकारी मिली थी, डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंचकर इस बच्चे को जो है आधे घंटे के बाद पानी में से निकाल कर अपनी गाड़ी में तुरंत करनाल के ट्रॉमा सेंटर में ज़रूर लेकर आई थी, जहां पर इस बच्चे को मृत घोषित कर दिया जाता है। बहुत ही दुखद समाचार, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ ज़रूर टूट पड़ता है। और 13 साल इस तनिष बच्चे की उम्र थी और नहाते नहाते किस तरह से ये पानी के अंदर बह गया, और फिलहाल इसके साथ ही जो साथ में थे दो बच्चे वो निकल जाते हैं। तनिष इस पानी से नहीं निकल पाता और उसको ढूंढने के लगभग आधे घंटे बाद जो है निकाल लिया जाता है। और फिलहाल अब ये जो तनिष्क है इस दुनिया में नहीं है, और फिलहाल आप देख पा रहे हैं बहुत ही मुरादगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है ये परिवार था और बुआ के पास रहने के लिए करनाल आया हुआ था। करनाल बुआ के पास रहने के लिए आया हुआ था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बुआ के घर रहने के लिए परिवार आया हुआ था, और किस तरह से देख सकते हैं ये नहर में नहाने के लिए चले जाते हैं। नहर में नहाने के लिए जाते और फिलहाल दो इसके साथ और बच्चे थे वो फिलहाल निकल आते हैं, पर तनिष इस पानी में से नहीं निकल पाया और फिलहाल तनिष इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ही दुखद समाचार, ओम शांति इस बच्चे के लिए आप ज़रूर लिख दें कमेंट के अंदर, ताकि इस बच्चे की आत्मा को जो शांति है वो मिल सके। किस तरह से देख सकते हैं, उसे नहीं मालूम था कि वो घर नहीं लौट पाएगा, नहाकर घर नहीं लौट पाएगा, और उसे अब करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में ज़रूर रखवा दिया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम कर जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को ऐसे बिल्कुल मत अकेला छोड़ें, उन्हें अपनी निगरानी में रखें और जरूर आप हर कुछ समय बाद बच्चों का जो अपडेट है वो ज़रूर लेते रहें, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता लगता किस की बातों में आकर किस तरफ किस राह पर चले जाएं। आप देख सकते हैं तनिष अपनी बुआ के घर किस तरह से छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ था और बच्चों के साथ नहर पर निकल जाता है। हालांकि परिवार में नहीं पता था कि वह नहर में चला गया है, कि नहाने के लिए चला जाता है, और कुछ ही समय बाद जब सूचना आती है कि इस तरह से तनिष पानी में डूब गया, तो तुरंत परिवार वहां पर पहुंचता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पर तब तक जो है वो पानी में डूब चुका होता है तनिष, जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। हालांकि परिवार का
बहुत ही बुरा हाल है। परिवार की तस्वीरें आपको मैं नहीं दिखा सकता, परिवार इस समय स्थिति में भी नहीं था कि वो बोल पाए, पर बहुत ही दुखद समाचार करनाल से सामने आ रहा है। जो आप परिवार देख रही हैं, परिवार की बच्चे की तस्वीर देख पा रही हैं, अभी आप हो सका तो आप परिवार से बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल इस बच्चे की तस्वीर जो है मेरे पास आई थी, तो मैंने सोचा इस बच्चे की तस्वीर दिखाकर आपको ये जानकारी दूँ कि आप तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे, अपने बच्चों का ध्यान रखा जाए। किस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले यमुना ने भी चार बच्चे नहाने चले जाते हैं, जिसमें से एक बच्चा निकल गया था, तीन बच्चे डूब जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियाँ ज़रूर हैं, बच्चे इस तरह से नहाने के लिए निकल जाते हैं। आप बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इससे हर एक परिवार तक ये जानकारी पहुँच पाए, ताकि परिवार अपने बच्चों का ध्यान रख सके। धन्यवाद।